सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, सीढ़ी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं राजा भोज। कद्दू में तीर नहीं बल्कि तीर में कद्दू मार रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? कभी खरगोश बना दिया जाता हूँ, कभी तोता बना दिया जाता हूँ, कभी मूक कर दिया जाता हूँ और कभी उड़न छू कर दिया जाता हूँ। बेटा बेताल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे मित्र के सिंहासन पर राजा भोज बैठेंगे ऐसे, और फिर तुम्हें देखकर ऐठेंगे ऐसे। लेकिन मैं क्या करूं, मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ है महामाया और दूसरी तरफ पुतलियों का साया, एक तरफ है सिंहासन की रक्षा करने की सोच और दूसरी तरफ सिंहासन को पाने के लिए एकदम तैयार राजा भोज। मैं क्या करूं? रक्षा, रक्षा, वो भी रक्षक बनकर। वैसे तुम कौन हो? मैं तुम हूं। बेताल, क्या तुमने कभी सोचा है जिस तरह राजा भोज हर परीक्षा में सफल होते जा रहे हैं, कहीं ये पुतलियां ही तो नहीं गला रही है राजा भोज की दाल? मतलब हो सकता है कि पुतलियां ही राजा भोज की शुभचिंतक हो। धन्यवाद मित्र, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब मैं क्या करूं? सुनो, तुम्हें क्या करना है? वाह, ये तो कमाल की युक्ति है। अब विफल हो जाएगी सबकी चाल, क्योंकि ब्रह्मदेव आपसे मिलने आ रहा है बेताल। आप सभी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए, उसके उपरांत हमें सूचित कीजिए कि आप सभी का क्या निर्णय है। ब्रह्मदेव की जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो। देवतागण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बेताल, तुम यहाँ? ब्रह्मदेव, आपको तो पता है कि मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य को इंद्रदेव ने जो सिंहासन दिया था उस पर बैठने की जुगत राजा भोज लगा रहे हैं। हाँ, मुझे इंद्रदेव ने सूचित किया था कि राजा भोज एक एक करके सभी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। यही तो, वो सफल हो नहीं रहे, उन्हें सफल करवाया जा रहा है। यही तो मैं आपको बताने आया हूँ। उनकी रोटी सूखी है जिस पर घी पुतलियां चुपड़ रही हैं। बेताल, तुम पुतलियों पर संशय कर रहे हो या इंद्रदेव पर? नहीं नहीं ब्रह्मदेव, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको तो पता है कि सम्राट विक्रमादित्य से मेरा कितना भावात्मक जुड़ाव रहा है, और आपको हमारी मित्रता के बारे में भी ज्ञात है। तो ब्रह्मदेव, उनके सिंहासन की रक्षा का अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए ना, और अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो उसका अधिकार भी मुझे ही मिलना चाहिए, है ना? बेताल, ये संभव नहीं है। नहीं ब्रह्मदेव, ऐसा मत कहिए। आप जब तक मुझे ये अधिकार नहीं देंगे, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। आपको मेरी और विक्रमादित्य की मित्रता का वास्ता, यही है एक रास्ता। ठीक है बेताल, यदि यही तुम्हारा हट है तो आज से उस सिंहासन की रक्षा तुम करोगे, राजा भोज की परीक्षा भी तुम लोगे। तुम्हारे और राजा भोज के बीच में ना तो महामाया आएगी और ना ही कोई पुतली। किंतु स्मरण रहे, जब जब तुम पथ भ्रष्ट होगे तब तब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तैयार हो जाओ अपने नए दायित्व के लिए। मैं हूं बेताल, गल नहीं दूंगा किसी की दाल। क्या हुआ राजा भोज, उड़ गए तोते? अब तक तो आपने अपनी बहुत दाल गला ली। दाल तो क्या,
चावल भी गला ली, लेकिन अब नहीं, क्योंकि यहां से आपकी सारी परीक्षाएं लूंगा मैं, यानी बेताल। क्या श्रीमान बेताल, परीक्षाएं आप लेंगे तो फिर पुतलियां क्या करेंगे? अब ना तो पुतलियां आएंगी और ना देवी महामाया, अब सिर्फ आप हैं, मैं हूं और ये सिंहासन है। आप सिंहासन पे बैठे बिना मानेंगे नहीं और मैं आपको सिंहासन पर बैठने दूंगा नहीं। तो अब देखते हैं कि कौन है किस पर भारी और किसने बाजी मारी। ठीक है श्रीमान बेटा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार। तो ठीक है, आपने मेरे मित्र की योग शक्ति की कथा सुनी, तो बताइए क्या आप में है वैसी योग शक्ति? सोचिए मत, मुझे पता है नहीं है। राजन, ये 32 गुणधारी सिंहासन है, इस पर विराजमान होने के लिए 32 गुणों की परीक्षा में आपको सफल होना पड़ेगा। राजन, अब तक पुतलियों द्वारा ली गई परीक्षाओं को पार करना आपके लिए बहुत आसान था, लेकिन बेताल की रचित मायावी परीक्षाओं को पार कर दिखाइए। कोई है? है अजनबी, वहीं रुक जाओ, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, इधर आओ, आगे मत जाना। आप लोग यहाँ क्यों छुपे बैठे हैं? हमारे पीछे काल पड़ा हुआ है, इसीलिए। काल? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सच में। कौन है वो? कैसा है वो? बहुत भयानक, बहुत ही भयानक। वो हमेशा अपने पास गड़ासा रखता है, बिल्कुल परशुराम जैसा। बहुत शक्तिशाली है वो, चमत्कारी शक्तियां हैं उसके पास। देखिए ना, कितनी अजीब बात है, सर है पर चेहरा नहीं। शास्त्रों और पुराणों में ऐसे जीवों की चर्चा है। क्या? ये अतृप्त शक्तियां होती हैं, और ऐसी शक्तियां जब तक तृप्त नहीं होती किसी के बंधन में नहीं रहती। इससे पहले कि ये किसी भारी संकट का कारण बने, मुझे उसे रोकना होगा। बचाओ! अरे आप लोग भाग कर रहे हैं, अरे रुकिए तो। ये कारण है इनके भागने का, इसे रोकना होगा। सूरजभान, हो तुम सूरजभान? सूरजभान? ये सूरजभान कौन है और ये उसे क्यों बुला रहा है? मैं पूछता हूं कि आखिर कैसे मुक्त हो गया वो, कैसे नहीं बांध पाए आप लोग उसे, कहां चला गया आप लोगों का तंत्र मंत्र? मंत्रीवर, अब उसे मंत्रों से रोक पाना अथवा तंत्र शक्ति से बांध पाना संभव नहीं है। तब उसे बांधने का क्या उपाय है पुरोहित जी? योग शक्ति, अब उसे केवल योग शक्ति से ही बांध सकते हैं। अजनबी, होश में आओ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस शक्तिशाली योग शक्तिवान दिव्य पुरुष को बुलाऊं।
जो उसकी आत्मा को बांध सके। ये सूरज भान कौन? हमारे राजा हैं। राजा? हाँ। तो वो उसका नाम क्यों ले रहा है? क्या संबंध है उन दोनों? ये जानने के लिए मुझे राजमहल जाना होगा। मेरे मित्र के सिंहासन को पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है, पर कहीं राजा भोज अपनी परीक्षा में सफल तो नहीं हो रहे? जाकर देखता हूं। महाराज सूरजभान, महाराज सूरजभान कहाँ है आप? महाराज सूरजभान, महाराज सूरजभान, महाराज सूरजभान कहाँ? कौन हो तुम आगंतुक और यहां किस लिए आए हो? मैं महाराज सूरजभान से मिलना चाहता हूं। नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? प्रश्न मत पूछो, मिलने का कारण बताओ। उनसे मिलने का कारण है कि मैं उन्हें मिलकर बताना चाहता हूं एक विनाशकारी शक्ति के कारण उनकी प्रजा संकट में। उनसे पूछना है कि उस विनाशकारी शक्ति को रोके कैसे। क्या तुम सचमुच उसे रोकना चाहते हो? नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता मंत्री जी? जब इतना नेक उद्देश्य है तुम्हारा तो मैं तुम्हें उनसे अवश्य मिलवाऊंगा। आओ मेरे साथ। ये किसका शव है मंत्री जी? महाराज सूरजभान का। महाराज सूरजभान मर गए? कैसे और कब मंत्री जी? 2 दिन पहले। पर वो शक्ति तो इनका नाम ले रही थी, ऐसा क्यों मंत्री जी? बहुत गहरा संबंध है। ये क्या? आप मुझे क्या दिखाने लाए? ये मटकी। वो तो मैं देख रहा हूं, किंतु जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो आप देख नहीं रहे हैं। क्या? कि उस विनाशकारी शक्ति शक्तेश्वर को महाराज ने इस मटकी में कैद किया था, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात मटकी तोड़कर मुक्त हो गया और लोगों के जीवन के लिए संकट का कारण बना। परंतु ये शक्तेश्वर है कौन? एक हठ योगी था जो अपने हठ योग से योग शक्तियों की साधना कर संपूर्ण संसार की शक्तियों का स्वामी बनना चाहता था। पत्रम च विभ्रति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त काम दस्तुति। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, क्योंकि अपने हठ योग से मैंने साज लिया है समय को। मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिमान शक्तेश्वर। नमन करो संसार, नमन करो अपने इस नए विधाता को, नमन करो। उसे अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया, स्वयं को वो ईश्वर कहलाने लगा और जब लोगों ने उसके इस संदेश को नकार दिया तो विचलित हो गया। उसने अपनी शक्तियों से लोगों का विनाश करना शुरू कर दिया। वैसे अगर आज मेरे मित्र विक्रमादित्य होते तो इस शक्तेश्वर को छठी का दूध याद दिला देते। वैसे ये मंत्री अच्छा है, और डराओ राजा भोज को ताकि ये दुम दबाकर भाग जाए। मरता क्या ना करता, लोगों ने विवश होकर उसे अपना ईश्वर मान लिया। एक मनुष्य को ईश्वर?
ये तो अनर्थ था और यहीं से दुर्भाग्य शुरू हो गया। लोगों के उसे ईश्वर मानते ही धर्म का नाश होना शुरू हो गया और अधर्म एवं पाप का विकास। राज्य की दुर्दशा देख दुखी महाराज एक दिन स्वयं शक्तेश्वर से मिलने पहुंचे। स्वामी शक्तेश्वर की जय हो, बोलो शक्तेश्वर की जय हो, स्वामी शक्तेश्वर। स्वयं को ईश्वर समझने वाले बंद कर ये ढोंग। महाराजा सूरजबान, आप राजा होकर भी ये शिष्टाचार नहीं जानते कि जब भगवान के दरबार में आया जाता है तो स्वर में मधुरता रखी जाती। खैर बोलो, भक्त क्या मांगने आया है भगवान से? शक्तेश्वर, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए बल्कि आज तुम्हें कुछ देने आए। क्या देने आया है भक्त भगवान को? ये भक्त इस ढोंगी भगवान को मौत देगा। तुम एक अधर्मी हो, तुमने अपमान किया है उस ईश्वर का, उसके धर्म का, उसके विधान का। अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। सूरज भान, आज तुम्हारे ईश्वर ने एक पापी का अंत कर दिया। कहा हो तुम लोग, अपने ईश्वर के सामने आओ। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। भगवान शक्तेश्वर की, 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 भगवान शक्तेश्वर। और इस प्रकार महाराज ने शक्तेश्वर का अंत कर दिया और एक अनुष्ठान कर उसकी आत्मा को बंद कर इस मटकी में टांग दिया यहां पर, ताकि मरने वाले की आत्मा मुक्त रहकर लोगों का बुरा ना कर सके। परंतु दुर्भाग्यवश महाराज की मृत्यु हो गई और वो दुष्ट शक्तेश्वर मटकी से फिर मुक्त हो गया। क्या ऐसी शक्ति को राजा भोज रोक पाएंगे? अच्छा ही है, ये मेरी परीक्षा में हो जाएंगे असफल और सिंहासन का भूत इनके सर से उतर जाएगा। तो मंत्री जी, अब उसे रोकने का केवल एक ही उपाय है। क्या गंतु? कि फिर से वही अनुष्ठान किया जाए जो महाराज सूरजभान ने किया था और उसे इस मटकी में बंद किया था। क्या बता सकते हैं कि महाराज ने कौन सा अनुष्ठान किया था? योग बंधन अनुष्ठान। योग बंधन अनुष्ठान, तो हम वही अनुष्ठान करेंगे। किंतु ये अनुष्ठान तो बहुत ही खतरनाक है, इसमें शक्तेश्वर तुम्हारी हत्या भी कर सकता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्या राजा भोज इतना बड़ा खतरा उठाएंगे? ये मुंह और मसूर की दाल। यदि मेरी हत्या से प्रजा की भलाई होती है तो मुझे अपनी हत्या स्वीकार है। आप अनुष्ठान की तैयारी कीजिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.